भाई कुछ जरूरी सामान लेना था, छोटी मोटी चीजें तो मैं आया हूँ सुपरमार्केट यहाँ सुबह सुबह, लेते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई ले लिया सामान, यहाँ पे देखो किस तरह मिलता है, इस तरह का बैग होता है यहाँ पे। चलते हैं भाई अब होटल की तरफ। A few moments later. तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो सारे हो गए तैयार, अभी हम सोच रहे हैं वहाँ जाएंगे आमेर फोर्ट वगैरह, पापा मम्मी आ रहे हैं। और ये देखो इन्होंने भाई पिंक पहना, इसने भी पिंक पहना, पहले मैंने भी पिंक पहना लेकिन मैंने चेंज कर लिया, मैंने कहा सभी पिंक पिंक बन के जा रहे हैं, मैंने कहा पिंक सिटी में आया तो भाई पिंक पिंक पहन लोगे यार, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो भाई ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी दिखाते जाएंगे अभी, अब बाकी चलते हैं। वैसे मैंने रस्ते में देखा जाम वाम लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, पीक सीजन है भाई जयपुर में, तो मैनेज करेंगे किसी तरह। ये देखो भाई क्या जबरदस्त गलियों से निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ ही डाल दिया, गूगल मैप के थ्रू जा रहे हैं। ये देखो भाई कैमरे पे इतना पता नहीं लग रहा, लेकिन जो आंखें देख सकती है ना क्या जबरदस्त पहाड़ दिख रहा है, उसके ऊपर छोटे छोटे लोग भी दिख रहे हैं, शायद चढ़ रहे हैं ऊपर, चढ़ाई सी शुरू हो गई है, क्या जबरदस्त दिख रहा है यार, अमेजिंग। ये भी सारा एरिया जल महल के आसपास का, अभी हम और आगे जा रहे हैं जो कि आमेर फोर्ट है, वहां जा रहे हैं फिलहाल, वापसी में जल महल आएंगे। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो काफी जाम है, एक्चुअली जयपुर में ना पीक सीजन चल रहा है इस टाइम, तो पैक्ड भी चल रहा है जयपुर होटल के मामले में भी, और टूरिस्ट भी बहुत आए हुए हैं, तो देखो ये दूर दूर तक जाम है। ये आमेर फोर्ट थोड़ा सा ही है, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है, बट कुछ जाम की वजह से हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, फंसे पड़े हैं। चलो आगे चलते हैं तो दिखाते हैं आपको, फिर फंसे हुए अभी तो। वही आ गया है, ये कई बार हमने YouTube पे देखा है ये, अब हम भी इसको YouTube पे डाल चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये आइकॉनिक गेट है बड़ा यहाँ का, ये छोटा है, एक एक बारी में गाड़ी निकल पाती है ना, इस वजह से थोड़ा रुक जाता है ट्रैफिक पे। अभी फिलहाल यहीं उतर गए हम, लग रहा है कि यहीं गाड़ी रोक के जाना पड़ेगा, इसको गाड़ी को और अंदर कर लेता हूँ थोड़ा, है ना रोड पे हो रही है, आई थिंक यहाँ से फिर पैदल चलेंगे। तो भाई हमने गाड़ी वाड़ी तो लगा दी है यहाँ पे और अब जा रहे हैं, आप देख रहे हो जैसे ये है आमेर का किला, यहाँ से करीब 5-10 मिनट की वॉक है, और यहाँ पे यार इतना रश हो रहा है ना मैं बता नहीं सकता आपको, इतना ज़्यादा रश है ना, मतलब यार ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया ही आ रही है, भयंकर ट्रैफिक चारों तरफ, इसलिए गाड़ी पहले लगाई और पैदल जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि भीड़ हो रही है। चश्मा ले लिया भाई, यहाँ मिल रहे थे 100-100 रुपए के, चारों ने ले लिए। तो भाई चलते, धूप लग रही है आंखों में, फोटोग्राफी हो नहीं पा रही, तो इन्होंने ले लिए, ये घर से तो लाते हैं लेकिन वो अटैची भी पड़े लेके नहीं आए हुए, तो यहाँ लेने पड़े इमरजेंसी में ले लिए। तो ये भाई एंट्री है यहाँ की, ओहो वाओ व्हाट अ सीन। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो पहुँच गए हम यहाँ पे फाइनली किसी तरह, ठोकरे खाते जाम में फंसते, पापा की गाड़ी भाई की गाड़ी भी तक पहुँच नहीं पाई है, वो भी जैसा आप देख रहे हो ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है, भीड़ भाड़ बहुत है, ठीक है मैनेज करते हैं किसी तरह। इस तरह की एंट्रेंस है, ये ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से ऐसे ऐसे डायगनल करके, जिग-जैग करके। आ जाओ भाई कहाँ रह गए अंशी, आ जाओ। हाँ आगे देखो, आगे देख रहा हूँ क्या है आगे। तो ये भाई हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं अभी, तो यहाँ से इस तरह का नजारा है कुछ, जैसे कि आप देख रहे हो ये ऐसे जाते हैं भाई लोग यहाँ से, ये देखो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं लोग, वो ऊपर तक जाना है हमने, थोड़ी थोड़ी दूर हम आते जा रहे हैं जैसा कि दिख रहा है आपको, थोड़ा और ऊपर आ गए इस तरह से, आप देख सकते हो। काफी ज्यादा रश है यहाँ पे,
सभी आए हुए हैं लोग हमारी तरह घूमने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखो भाई और ऊपर आ गए हम थोड़ा। इस तरह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या जबरदस्त भीड़ है यार। देखो कैसे दिख रहा है पूरा शहर। और ऊपर आ गए हम। भैया बजा रहे हैं। आ जा। ये भाई इसका एंट्रेंस है जैसा आप देख रहे हो। तो मम्मी बैठी हुई पहले से हैं? हाँ रेस्ट कर लो थोड़ा, कोई बात नहीं। इसकी टिकट है यहाँ पे, टिकट लगती है 100 रुपए। ये है भाई एंट्रेंस गेट इसका। अरे हम पहले आए थे गाड़ी से, पता ही लगा था हमें। ओ भाई ये देखो सीन, बिल्कुल टॉप पे आ गया हूँ। यहाँ से दिख रहा है मामला। ये देखो ओ भाई ये कैसी गाड़ी है। साइड हो जाओ। हाँ यार ये कैसे आई है। भाई देख रहे हो कितना रश है, कितना ही बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है गलती कर दी आगे, इतना रश क्या चीज है भाई। मेरे थी कैलाव जो मारी हाटू वालेड़ा, पनवेली रात में आव जो मारा बालम वालेड़ा, तमे वालेनो दरियो होवे दरसा वालेड़ा, की वेले रात में आवे जो। चलना ऊपर, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे ऊपर जाएं या नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा रश है, कंफ्यूज हो गए। और पापा तो अभी तक पहुंच ही नहीं पाए, इतना ट्रैफिक है। वो अभी अभी जस्ट नीचे पहुंचे हैं। तो भाई काफी सोच विचार के बाद हमने ले लिया टिकट। बड़ों की 100 रुपए की है, बच्चों की 20 रुपए, तो टोटल 220 लगे हैं। 7 साल के बच्चे के ऊपर की टिकट है, स्टूडेंट अगर आप बोल के ले लो तो मिल जाती है 20 रुपए। हम ऊपर जा रहे हैं, काफी खड़ी सीढ़ियां हैं, दिखा देता हूँ। जितना ऊपर जा पाए जाएंगे, बाकी फिर देखते हैं। तो भाई ऊपर आ गए, थक गए काफी, लगातार सीढ़ियां थी, थोड़ा सांस ले रहे, सांस छिड़ गया। ये है भाई ऊपर आके, ऐसा है दिख रहा होगा आप सबको, काफी ब्यूटीफुल है। बस आज एक ही गलत चीज है कि रश ज्यादा है आज। देखो यहाँ से मैं दिखाता हूँ कितना ज्यादा ही रश है। मेरे थी कैलाव जो मारी हाटू वालेड़ा, पनवेले रात में आव जो मारा बालम वालेड़ा, तमे वालेनो दरियो होवे दरसा वालेड़ा, की वेले रात में आव जो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ से, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, अब अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बढ़िया बढ़िया। इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे जितना फील हो रहा है, मतलब ठंड तो है ही नहीं, ब्यूटीफुल है ये। अगर आप देखो आपकी इच्छा बना, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो देख लेवल अलग है यहाँ से, भी है बहुत। कितना जबरदस्त दिख रहा है फील, देख ये कैमरे में आएगा नहीं, जितना खून तुम फील कर रहे हो ना दिख रहा है, जो ये कैमरा नहीं पकड़ सकता ये चीज। देख कैसे आ रहे हैं लोग छोटे छोटे, वहाँ वहाँ भी देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। हम वही, हम पता कहाँ से आ रहे हैं,
वो देखो हम वहां से वो गाड़ी पार्क कर करके कर करके यहाँ पे हमने कहीं पार्किंग करी, फिर इधर 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 ऊपर नीचे ऐसे करके आ रहे हैं। काफी ऊंचाई पे है भाई ये किला, कैमरे पे आपको पता लग रहा है तो नहीं कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन यहाँ जो फील है ना, हवा देख कितनी अच्छी आ रही है। अंशी अंशी आपने देखा कितना अच्छा दिख रहा है? हाँ अंशी हम पता कहाँ से आ रहे हैं, वो देखो नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, दिख रही है आपको कहाँ? चश्मा उतारो आप, पता भी दिखेगा आपको, चश्मा दिखाओ अभी, धूप नहीं है ना, आप देखो वो देखो आपको छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही है, हम वहाँ से आ रहे हैं। अरे छोटी छोटी गाड़ियां नहीं आ रही, देखो ध्यान से धीरे धीरे आ रही हैं, जो नदी के बाहर देखो, नदी के बाहर देखो रोड, वहां से आए हैं हम, देखो यहाँ से ऐसे कर करके देख रहे हो। तो भाई छोटा मोटा घूम लिया जितना घूमना था, अब एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, निकल रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, उतना मजा आ नहीं रहा, ठीक है जितना है उतना ही एंजॉय कर लिया हमने, ज्यादा खतरनाक है सड़क, ज्यादा रुक नहीं पा रहे यहाँ पे, एक डेढ़ घंटा जो रुके थे। हाँ ये देख इसमें, ये देख दो हैं कढ़ाइयाँ, ये देखो भाई अंशी देखो इधर आओ, हाँ भाई इसको वो देखो, इसका वो देखो सरकमफ्रेंस भाई साहब, कितनी इसमें खाना पकता था पता है इन सब के लिए, अंशी देखो इसमें खाना पकता था, इसमें सिक्के क्यों डाले हैं, कुछ होता होगा ना, ये ज्यादा बड़ी है, इसमें शायद स्वीट डिश बनती होगी, ये थोड़ी छोटी है ना, इसमें इसमें सब्जी बनती होगी, बहुत बड़ी है ना, ये बड़ी है, इसमें स्वीट, इसमें सब्जी बनती होगी, उसमें स्वीट डिश बनती होगी। चलो भाई आ जाओ, बैठ जाओ। मम्मी हाथियों के साथ खिंचा रही है अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों मम्मी के दोस्त है। तो भाई ये देखो भैया ने इतनी जबरदस्त पेंटिंग की, खुद बनाते हैं? हाँ गांव में बनाते हैं सर हम लोग, खुद लोकल आर्टिस्ट हैं। अच्छा तो ये मैंने ये लिया, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, बट ये मैं नहीं ले रहा, थोड़ी कॉस्टली है, मैंने ये दो लिए, एक और राजा की सवारी ली अंबाबाड़ी, हाँ ये दो लिए हमने, ये खाली आपसे बोनी करिए सर, हर आदमी पेंटिंग नहीं खरीद के लेके जाता सर, पेंटिंग वही खरीदता है जो पेंटिंग के बारे में जानता है, समझा करो आप, बट इस पे क्या रखा है, क्या ये पुराने कागज है सर, ये इनको हम रिसाइकलिंग करते हैं, ये राजाओं के टाइम पे जो स्टाम्प पेपर चलते थे ना, हाँ वो है सर, इनको हम रिसाइकलिंग करते हैं, कई लोग एंटीक चीज लगाना चाहते हैं। भाई जितना घूमना था हमने वैसे घूम लिया, अमेरिका किला बहुत जबरदस्त है, आपने देख लिया होगा वीडियो में, ज्यादा घूम नहीं पाए, भीड़ भाड़ काफी है, जितना घूमा अच्छा घूमा, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, पापा तो आ नहीं पाए यार, पापा नीचे ही हैं, भीड़ की वजह से और चढ़ाई की वजह से वो आ नहीं पाए, तो अब हम नीचे जा रहे हैं, बाकी कुछ खाते पीते हैं फिर मिलते हैं। दो ही गाड़ी आ गई, ओ भाई गाड़ी जा रही है, तो भाई बाय बाय, निकल रहे हैं हम यहाँ से, अब नीचे की तरफ जाते हैं, पापा से मिलते हैं यार, वो भी बेचारे परेशान होंगे नीचे, ऊपर तो आ नहीं पाए, चलते हैं हम नीचे की तरफ। कहाँ है मोंटी? हाँ बोला मोंटी, मोंटी अब आया बताओ यार, इतना इतनी भीड़ होगी अब आया हूँ। आ गए फाइनली, फाइनली पहुंच पाए, आ गए आप, अबे कितनी सारी सीढ़ियां हैं, सद्दो भाई, अरे अभी तो अंदर भी अगर टिकट भी लोगे ना वो भी बहुत सी, हां सीढ़ियां उसके बाद भी सीढ़ियां ही, देख के आना अंदर थोड़ा, क्या अंदर ऐसी है, वहां ऊपर से व्यू दिखता है अच्छा, नहीं है ये ऐसी, ये ली अरे फोटो, फोटो नहीं ली, नीचे से मिलेंगी पार्क से, फोटो की ट्राई भी, देख गाड़ी आगे साइड हो जाओ, बहुत बड़ी बढ़िया गाड़ी आ रही बैटरी वाली,
तो भाई अब निकल रहे हैं वापस, जहाँ से आए थे उसी रास्ते से। ये भैया बजा रहे हैं बहुत बढ़िया। देखो यार कितने सारे पिजन। अंशी कितने काउंट करके बताओ। चलो अंशी देख रहे हो कितने सारे हैं। नहीं मारेंगे वो है सामने। हुई हुई वो ओरियन के पंखों से भाई। आमेर किला तो घूम लिया, उसके बाद अब हम कुछ छोटी मोटी रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं। यहाँ ढाबे टोपे बने हुए हैं, आप देखो जो ये आमेर का किला पीछे, और यहाँ हम बैठे हैं खा पी रहे हैं। यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड की स्पेशलिटी है भाई, अपना स्वाद होता है और टेस्टी है। ये कड़ी इन्होंने मेरे को बना के दी, कड़ी और कचौड़ी डिलीशियस अमेजिंग, सही में बहुत अच्छा टेस्ट। तो भाई ये तो बहुत ही टेस्टी निकली यार, मज़ा ही आ गया। सर ये हमारी कुछ कड़ी होती फेमस होती है। अच्छा, तो ये इन भाई साहब ने मेरे को बोला टेस्ट करो, तो मैंने स्पेशली टेस्ट करी है, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सर चाय भाई पिलाऊं? चाय अभी पीते हैं। चाय भाई चाय लोगे? दो चाय तो दे ही दो, दो चाय दे दो भाई। चाय भी आ गई अपनी, बहुत बढ़िया कॉम्बो है। अरे यार गिर मत जाइयो। वही पापा भी आ गए हैं। लगे तड़पाने गलियां झूमते खोलो। मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी, सही नहीं है? अच्छी तो है यार, हैं? चलो मैगी खा लो। ये भाई देखो आमेर का किला के सामने हम यहाँ पे चाय भाई चल रही है हमारी, थोड़े रिफ्रेशमेंट वगैरह। तो ये भाई राहुल जी हैं, ये ठीक सामने आमेर फोर्ट के सामने इनकी शॉप है। इन्होंने हमें स्पेशल एक कचौड़ी खिलाई कड़ी वाली, बहुत टेस्टी थी। चाय भी बड़ी जोरदार है, तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आओ। ये क्या है? शेखावत रेस्टोरेंट है भैया, बना रहे चाय। देखो मैं वही कह रहा था, फाइव स्टार में तो सभी जाते हैं, बड़े बड़े जाते हैं होटलों में, तो भाई आप लोगों का भी धंधा पानी बिल्कुल बढ़िया चलना चाहिए, है ना? ठीक है भाई, शाम का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 5 बज गए, अब हम निकल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। भाई देखो लोग अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे, ये कहते हैं भी रात को 9-10 बजे तक खुला होता है, यहाँ लाइटें वाइटें जल जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता होगा यार रात को तो वैसे। तो भाई वापसी की तरफ निकल रहे हैं, अब हम शायद जा रहे हैं जल महल, देखते हैं जाते हैं नहीं जाते, कैसा वहाँ माहौल रहता है। अगर बहुत भीड़ हुई तो नहीं रुकेंगे, ठीक ठाक हुआ तो रुक जाएंगे। बाकी निकल गए हैं, तो भाई गाड़ियाँ आ रही हैं। कैसा रास्ता है? थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, इसलिए थोड़ा केयरफुली चलाना भाई। अगर आप लोग यहाँ आओगे गाड़ी तो केयरफुली चलो, जैसे मैं चला रहा हूँ केयरफुली, वैसे धीरे धीरे। मारी चुनरी नखराली थारे पछे उड़ती जाए, मारने ना मिटो।